हाय गाइस, नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपोजिट के 10 वर्ड दे रहे हैं प्रैक्टिस के रूप में, और आप प्रैक्टिस करिएगा, कल मैं आपको इसका आंसर दूंगा। तो आप भी थोड़ा सा परिश्रम करिए, लगिए, रुचि बनाइए। तो जब तक रुझान नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलता है, इसलिए रुझान के तहत मैं आपको अभ्यास वर्क, एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। अपोजिट आपको बनाना है, 10 वर्ड्स हैं, तो एक एक वर्ड्स हम देख लेते हैं। पहला वर्ड मेरा है अनोनिमस, अनोनिमस, ANONYMOUS, अनोनिमस। इसकी अपोजिट आपको बताना है कौन सा होगा। इसमें नोन होगा कि एक्सपर्ट होगा कि रिटेन होगा, कि ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी होगा, इसको बताइएगा। और दूसरा वर्ड है एनिमेटेड, एनिमेटेड, तो एनिमेटेड में कौन सा होगा, डल होगा कि मॉडर्न होगा, सिमिलरिटी होगी, ये ABCD में आपको बताना है। और तीसरा वर्ड है अपेरेंट, अपेरेंट में क्लाउडी होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा, फैक्चुअल होगा कि अनसर्टेन होगा, ABCD में आपको बताइएगा। और जो चौथा है शब्द वो है एम्पल, एम्पल के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो क्या होगा इसमें ABCD में से, लिटिल होगा, सिंपल होगा, सम होगा, ठीक है, इसको आप थोड़ा बताइएगा। और पांचवा है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का क्या होगा, रिफ्यूज़ल होगा कि हारमोनी होगा, डिसएग्रीमेंट होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये पांच वर्ड। अगला पांच वर्ड हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए लिखा है पहले में RRV 2009 में पूछा गया है, और सेकंड पूछा गया है NDA 2004 में पूछा गया है, और थर्ड जो है RRV 2008 में है, और फोर्थ जो है बैंक कलर 2009 में है, और फिफ्थ जो है SBI PO 2009 में है। ऐसे जो है वर्ड आते हैं परीक्षाओं में, उसमें आपको मेहनत करनी है। तो अगला देख लेते हैं पांच कौन कौन है। तो अगला है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, तो एम्बिगुअस, ये गुअस, एम्बिगुअस, इसका क्या होगा कि इक्यूवोकल होगा, कि कंफ्यूजिंग होगा, कि डिस्पैरिटी होगा, एक्सप्लिसिट होगा, क्या होगा इसको आप बताइएगा। और सातवां है एब्रप्ट, एब्रप्ट, तो एब्रप्ट में क्या होगा, ग्रेजुअल होगा कि एक्साइट होगा, कि फ्रैंकनेस होगा, टू लेसन फियर होगा। और आठवां है अटैचमेंट, अटैचमेंट में क्या होगा, मिसट्रस्ट है कि हेटर्ट है, हारमोनी है, ये आपको थोड़ा सा मीनिंग खल रही होगी क्या हिंदी अर्थ होगा, तो उसको मैं कल बताऊंगा। और नाइन पॉइंट में है एरिड, एरिड, तो ह्यूमिड होगा कि फर्टाइल होगा, ड्राई होगा, सी में ऑप्शन होगा, क्या होगा इसको बताइएगा। 10 एसेट, एसेट, तो एसेट में लायबिलिटी होगी, प्रॉस्पर्टी होगी, पॉवर्टी होगी, क्रेडिबिलिटी होगी, क्या होगा ये अपोजिट, चार ऑप्शन है आपके पास, उसको बताइएगा। ऊपर देख लिया PNB 2005 और MBA 2008, बैंक PO 2009, AMAT 1999 एंड MAT, ठीक है, 2001 में ये पूछे गए हैं। तो इतना ही था, 10 प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, आप बढ़िया से करिएगा। हमारे में कमेंट जो है ऑन है, आप कोई भी कंफ्यूजन हो उसको आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्या होगा अगर अग्री में आप जानते हो, कितना जानते हो तो आप बताइएगा। एक मोटिवेशनल के रूप में है कि आप जानते कितना हो, आप पढ़ते कितना हो, आपको आप कितना फोकस करते हो अपने वर्ड पावर पे, उसके लिए मैं इसको दे रहा हूँ। तो कल मैं वीडियो दे दूंगा, फिलहाल इतना ही, अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा, और बस इतना ही, मिलता हूँ कुछ नया लेकर के, धन्यवाद, नमस्कार।